यहाँ पर कुरनापल्ली की दरगाह पे हम हाजिरी दिए हैं और हम हमारे निजामाबाद जिले के और तेलंगाना के वली सैयद हबीबुल्ला हुसैनी साहब की दरगाह पर हाजिरी दिए हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ किए हैं। हबीब साहब से हम सुरेश चंडी साहब की सेहत की दुआ के लिए हबीब साहब सैयद हबीब साहब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देकर हम उनसे ये इत्तिजा किए हैं कि अल्लाह से दुआ कीजिए, आप हिंद के वली है, आप निजामाबाद जिले के तेलंगाना के वली है, आप पी सुदर्शन रेड्डी साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए, आने वाले इंतखाबात में पी सुदर्शन रेड्डी साहब की जीत के लिए दुआ कीजिए, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपकी दुआ क्योंकि आप वली है अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए हम यहाँ हजरत के पास आए हैं हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब की सेहत की, तंदुरुस्ती की और उनके तमाम चाहने वालों की सेहत की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तमाम लोगों की सेहत की दुआ के लिए हम यहाँ पर हाजिरी दिए हैं। मैं हमारे यहाँ पर सज्जादे हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब और हमारे मोहम्मद अहमद साहब की जेर निगरानी में यहाँ पर आए हैं और तमाम उनकी यहाँ पर जितने भी हजरत के चाहने वाले और उनके यहाँ पर जो उनके देख रेख करने वाले यहाँ के मुतवली है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जैसा ही पी सुदर्शन रेड्डी साहब का यूं में पैदाश कुरनापल्ली दरगाह में चादर चढ़ाना है, वहां पर आकर दुआ करना है पी सुदर्शन रेड्डी साहब के लिए, तो हमारे इस्माइल साहब, हमारे अहमद साहब और उनके तमाम चाहने वाले लोग जमा हुए और यहां पर हजरत के पास पी सुदर्शन रेड्डी साहब के लिए दुआ किए। मैं तेलंगाना की तमाम मुसलमानों से पी सुदर्शन रेड्डी साहब के और निजामाबाद के जिले के तमाम मुसलमानों से, खास करके बोधन के मुसलमानों से और निजामाबाद जिले के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि पी सुदर्शन रेड्डी साहब की सेहत के लिए और उनकी तरक्की के लिए और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें, क्योंकि पी सुदर्शन रेड्डी साहब हमेशा सेकुलर लीडर है। पी सुदर्शन रेड्डी साहब ने अपने बोधन की जीत के बाद सबसे पहले उन्होंने मार्केटिंग चेयरमैन का ओहदा पाशा भाई को दिया, उसके बाद म्यूनसिपल चेयरमैन का ओहदा मोहम्मद गौस साहब को दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे वक्फ चेयरमैन बनाया, ऐसे कई ताहिर बिन हमदान साहब को उन्होंने टिकट दिलवाया निजामाबाद दर्पण से, ऐसे कई कारनामे हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब के हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले इंतखाबात में पी सुदर्शन रेड्डी साहब बोधन से जीतेंगे और बोधन की आवाम उनको भारी मेजोरिटी से जिता कर फिर एक बार उनको होम मिनिस्टर या मिनिस्टर का उनको मिलने के अहकाम है और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आने के लिए हम तमाम ऐसे वलियों के पास जाएंगे, वलियों के दरबार में जाएंगे, हाजिरी देंगे और उनको ये कहेंगे कि अल्लाह से आप अल्लाह के वली है, आप दुआ कीजिए, आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।